एडवांस हैप्पी रोज डे। अच्छा और आपको मिल गई छुट्टी? फिर 10 दिन चुपचाप एकरे डर तो नहीं लगेगा कमरे में? पर अब जा रही है मेडिटेशन के लिए। गिरीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह अभी मैं आ गया हूँ नोबिता को घुमाने के लिए। सूर्य देवता जी आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा फैसला था कि रात को ही आ गए, रेस्ट भी होगी और ब्लॉग भी एडिट हो गया, नहीं तो ब्लॉग भी एडिट ना हो पाता। नहीं तुम मटक मटक पब तरदा फ्रूट काट रहे हो? हाँ जी। ओके, यहाँ पे चावल भी बने हुए हैं, चाय भी बनी हुई है, आलू के परौठे भी बने हुए हैं। नोबिता ने हमारे लिए हड्डी खा ली है बेटा। चलो मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। ओ जी, हमने तो नहा लिया है, बाल भी धो लिए हैं और कपड़े भी पहन लिए। आप क्या करने लगे हुए हो? अनार छील रही थी। अच्छा, टिफिन हो गया पैक हमारा। आज हफ्ते बाद अटेंडेंस लगाई, तो आप लोग भी कहीं सोच रहे होंगे कि अटेंडेंस तो लगा नहीं रहे हो, फिर बाहर कैसे, मतलब कि जब हम बाहर आउट कैंपस जाते हैं ना तो OCD मिलती है, आउट कैंपस ड्यूटी होती है वो, और जो हमारे हेड हैं वो अप्रूव करते हैं उसको, उसके बाद फिर हम बाहर जा सकते हैं ना। वो अप्रूव कर दी थी उन्होंने तो ही हम बाहर गए, तो ही हम ड्यूटी लेके साथ में गए और अटेंडेंस से एक हफ्ता बचे रहे हैं। तो अभी आते ही हमने अटेंडेंस लगा लिया है। धूप अच्छी है, मौसम बदलने लग गया है, वार्मर छोड़ दिए दोनों ने। हमें मिल गए अमन चंद्रा सर, और ये डिपार्टमेंट में मेरे जूनियर भी थे और यहाँ पे अब ये फैकल्टी भी हो गए हैं म्यूजिक के। और कैसा लग रहा है सर? भैया जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो अब भैया को भैया ही बोलता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत टाइम से सीनियर थे और रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ। बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं भैया। तो भैया के प्ले देखते थे ना उस वक्त, तो दिल में ऐसी एक भावना पैदा हो गई ना कि और क्या बात है, मतलब अच्छा भैया इज द ग्रेट। ऊपर से ये उत्तराखंड से ही है और वैसे पहाड़ी नहीं है ना? से नहीं, नहीं, नहीं। उत्तराखंड में जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ, रहता पंजाब में, पंजाबी नहीं हूँ, उसी तरह ही रहते उत्तराखंड में, मगर उत्तराखंड वाले नहीं है, मगर वहाँ की लैंग्वेज आती है वाले हैं। हाँ, पर उत्तराखंड से पहाड़ के नहीं, नहीं, लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज आती है? नहीं आती, थोड़ी नहीं आती, एक आधा गाना भी नहीं आता वहाँ का। गाना तो बहुत आता है। चलो इनसे हम ना पाउडरा घसल की लेने मेरी निर्मला, हसल की लेने मेरी निर्मला, तू हसल की लेने। क्या बात है, पहाड़ी गाना गा ही दिया फिर अमन चंद्रा जी ने। तो चलते हैं अभी डिपार्टमेंट की तरफ। तो इन्होंने थोड़ी हमारी हेल्प भी कर दी, देखिए हमारे साथ ये उठवा भी दिया सामान। अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। ये कमरा खुला खुला आवाज गूंजती है। मैम अपने कमरे में कैसा लग रहा है एक हफ्ते के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा था घर में। तो कॉस्ट्यूम्स आने लग गई हैं बच्चों की, ये देखिए। हाँ, ये पार्थ पार्थ के कपड़े हैं। और नहीं आए अभी बच्चे। हमारी एक कुर्सी ले गया कोई? ये बाकी ये सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हैं, टोपी जो भी यूज किया था सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। सिर्फ एक हमारा स्पीकर मिसप्लेस हो गया है। क्या हो गया ये? एडवांस हैप्पी रोज डे। अच्छा, अरे नोबिता को तो मिल लो। आपको किसने दिया ये बताओ? मैंने खरीदा है ये। कब खरीदा? आज उठाओ अब मुझे। कब? बस खरीद लिया। कब खरीदा? आप तो मेरे साथ थे। अच्छा, नोबिता मेरा छोना छोना बेटा। क्या हो? छोटू बच्चे और मैं खाना खाने लगे हैं। ये देखो मक्की की रोटी और सरसों का साग और साथ में हमारी चट। जल्दी जल्दी खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि फिर हमने जाना है शॉपिंग करने, सब्जियां और फ्रूट्स लेने, और दूध तो अभी हम ले आए हैं और बूट भी नहीं अभी तक बने, वो भी मेन काम है हमारा, वो लेना है बूट। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बुरी बात है। रब ने मेरे को गुलाब दिया, देख लो, रोज डे है कल और आज ही दे दिया इन्होंने। उसका एक रीज़न है कि प्रभ अब मेरे को छोड़ के जा रही है। कितने दिनों के लिए? 12 दिनों के लिए, और 12 दिन मैं प्रभ के बिना रहूँगा अकेला। इसीलिए मैं बलैरो नहीं लेके आया हूँ, इसलिए इन्हीं की गाड़ी में आ गया हूँ। और ये डिसाइड तो पहले 3 महीने पहले से ही था,
और पहले से माइंड में था कि इन्होंने जाना ही जाना है, और इन्होंने मेरी बात मानी, मेरे को अच्छा लग रहा है और ये जा रहे हैं। पैसे इतने ज़्यादा ले लिए और बूट बन गए हैं छपरियों वाले, इसलिए प्रभु को पसंद नहीं आ रहे हैं ये। प्रभु गरीब नहीं पहन ले मेरे ये बूट, ये तो 250 रुपये के मिल जाएंगे इस तरह के, तो अब ये देख लो ये बूट हो गए हैं वेस्ट। इसके ना जो नीचे का सोल है वो भी नहीं पसंद आया, और कलर भी नहीं पसंद आया, जो हमने कलर पसंद किया था ना तो ये वो है, और जिस तरह का हमने बोला था वैसा भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ले 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 ही नहीं रही प्रभु, ले लो लो पहन लो पहन लो। अब सब्जी मंडी पहुंच गए हैं, बूट तो दे के आ गए हैं दोबारा बनाने के लिए, यहाँ से अब सब्जियाँ ली जा रही हैं, तो देख रहे हैं क्या क्या खरीदा जा सकता है। बाकी तो दादा तो दाल ही खाते हैं हम लोग। नोबिता कैसे पागल हुआ है, कैसे पागल हो रहा है ना। हाँ अभी मिल के गए हैं, जबकि इसको क्या हो गया, क्या हो गया प्रभु, आपके बूट नहीं बने, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। इतने वाहियात जगह पे जाके फंसे हैं ना हम। जलंधर का फेमस है वो बंदा कैंट में। है। हाँ, रवि सर तक उससे बूट बनवाते हैं। पता नहीं फिर क्या चक्कर हो गया। पता नहीं क्या मतलब, पर उनको इतना पता चल गया था कि मैं खुश नहीं हूँ बनाए हुए काम से। तो उनसे बना बनाया बूट लिया था तो मेरे को तो ठीक लगा, और दाग मेरी गलती से लग गया था उसके ऊपर, मगर वो धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है। इनका तो पता नहीं पंगा, अभी देख लो आपके सामने ही एक महीना ही होने, शूज का ज्यादा काम है ना, एक महीना होने वाला है, इनका बूट ही नहीं बन पाया उनसे, पूरी सर्दियां तो निकाल, इनको पसंद ही नहीं आया वो वाला बूट। चलो मैं कपड़े बदल लेता हूँ, ये वही जिंदगी फिर से थकावट। क्या ही देखोगे आप भी, क्या ही देखने को है अभी हमारे पास, ये है नोबिता, ये हरकत है इसकी। जलाओ जलाओ, भर दिया बस, अपने आप दे देंगे और क्या है। अच्छा ऐसा थोड़ी होता है, उनको पूछते तो है ही। नहीं नहीं कोई नहीं पूछते वास्ते, क्यों नहीं पूछते, पूछ लिया इन्होंने बॉस से, हेड से पूछ लिया, की कह रहे भी? भर दी थी छुट्टी इन्होंने बस। अच्छा चलो कल जाएगी ना। कल की मैंने भी ली है छुट्टी। अच्छा हाँ छोड़ के आऊंगा। अच्छा 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 ठीक है, फिर तू छोड़ के आके जो छुट्टी नहीं होती है ना फिर। नहीं सोऊंगा मैं आराम से घर आके। चलो ठीक है आराम कर लेना। और सवेरे जाओगे? हाँ जी। हाँ जी आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक। सो गए थे आप? हाँ मैं सो गई थी, मेरी नींद भी आने लगी थी पता। दवाई ली कि अभी भी बुखार बाहर निकाल रहे हो? नहीं नहीं दवाई ली मैंने, मैं दवाई लेके आई आज। हाँ दवाई लेके आई थी, सिर दर्द कर रहा था बहुत मेरा। हाँ रवि सर भी बीमार हो गए, रवि सर भी बीमार हो गए, उनको भी जुकाम हो गया, ऐसी सर दर्द कर रहा था उनका भी। मेरा भी गला भी दुख रहा है, गला सारा दुख रहा है, गला भी दुख रहा है, सिर दुख रहा था, जुकाम हो रहा है, फिर जुकाम बुखार होएगा। गला में दुख रहा था, हाँ दो तीन दिन हो गए थे गला, तो मेरे को बुखार भी आ रहा था। दवाई तो ले रखी है मैंने, फिर अभी मैं दवाई लेके भी सो गई। दवाई वो कोर्स कर लेना, दो दिन का होता है मेरे ख्याल से, टाइम पे तीन टाइम दवाई दो दिन खा लेना। नहीं दवाई तो मैं ज्यादा लेके आई हूँ। हाँ कल आप जाओगे? हाँ जी। फिर दस दिन चुपचाप, एक रे डर तो नहीं लगेगा कमरे में? नहीं नहीं लगता डर। चुप भी मैं रह लेती हूँ ज्यादा, मेरे को चुप रहने में भी कोई वो नहीं है दिक्कत, बस नींद आ जाए। चलो ठीक है। ध्यान देना अपना। हाँ जी करूंगी कल मैं फोन जान से पहले। ठीक है ठीक है, वो अभी ध्यान धरते होंगे, ऐसे तो छोड़ते नहीं होंगे। नहीं नहीं सब अच्छा रख, ध्यान ही रखते हैं, ये गए हैं पहले। नहीं ध्यान देते होंगे, उनको पता ही है।
चलो ठीक है, जितना बैठी जाएगा उतना पहले ना दर्द होएगी तो उठ जाना। हाँ जी, गिरीश भी वही कह रहे हैं, कहते कहते हैं वो भी दे देते हैं, जैसे पीठ लगाने के लिए भी दे देते हैं, नहीं बैठा जाए तो, नीचे ना बैठा जाए तो कुर्सी भी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही तरह करना ही करना है। अच्छा हाँ चलो ठीक है, 10 दिन आराम करोगे, सो जाना आराम से। हाँ 10 दिन आराम करूंगी, बहुत थकाई हो रही है इधर उधर की। चलो ठीक है बेटा, चलो ध्यान रखना आप भी अपना। हाँ बेटा, नोबिता देखो। हाँ ये भी रुषा बड़ा था ना। हाँ ये भी दादी मम्मा, दादी मम्मा, दादी मम्मा है। दोस्तों बेसिकली क्या है कि प्रभ जा रही है मेडिटेशन के लिए, और बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि प्रभ जाए, और ये तो मेरा डिसाइडेड था कि जब प्रभ प्रेग्नेंट होगी तब तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, और ये आफ्टर 6 मंथ का तो सोचा ही हुआ था। इसलिए वहाँ जाने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया 3 मंथ पहले अप्लाई करना होता है, तो हमने कर रखा था, तो इनका कन्फर्मेशन आ गया। अप्लाई तो मैंने भी किया हुआ था, मगर हम दोनों को एक साथ छुट्टी नहीं मिलेगी, और तब जॉब का डिसाइडेड नहीं था जब हमने ये फिल किया था। ये तो जॉब हो गई और अब जॉब से छुट्टी हुई है, तो मेरे को नहीं मिल रही है अभी छुट्टी, इनको हो गई है, तो दोनों एक साथ जा भी नहीं सकते हैं ना, तो ये जा रहे हैं। कल इनको मैं छोड़ के आऊँगा, कल की मैंने छुट्टी ले रखी है, इनको ड्रॉप करके आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि इनका अच्छा रहे। बाकी अभी तो सुबह पैकिंग भी करनी है, बहुत काम करने हैं, और आप प्रभ से पूछते हैं इनको। प्रभ आप अपने मन से जा रहे हो कि मेरी जिद से जा रहे हो? नहीं अपने मन से भी ऐसा कुछ नहीं, आपकी जिद से जा रही हूँ। हाँ मैं खुद भी मतलब है, हाँ ठीक है जाना चाहिए, आप इतनी बार गए हो, आप में इतने चेंजेस है, तो मैं भी एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, और होप्स हो कि ये एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ जो है वो, फिर मैं बार बार जाऊँ। ओके, और एक्साइटमेंट है कि डर लग रहा है, नर्वस हो? नर्वस हूँ। अच्छा। नर्वस हूँ क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी अपनी कंफर्ट जोन है, मुझे थोड़ी अपनी कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। जब मैं कभी भी कहीं ऐसे कॉलेज के साथ भी कहीं जाना हो ना, तो मुझे होता है मुझे मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें साथ में चाहिए, मेरे पैर ठंडे रहते हैं, मुझे मेरी खुद की चादर चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, पैर गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं, वो सब सोच रही हूँ। बस यही है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाऊँ मैं, फिर ये कोई छुट्टी नहीं ले पाएंगी। मतलब कि हमें सारी छुट्टियाँ कुर्बान करके जा रहे हैं, इवन के एक्स्ट्रा छुट्टियाँ भी ले रहे हैं, तो हमें ना सेमेस्टर वाइज 8 छुट्टियाँ मिलती हैं, जो हम पेएबल छुट्टियाँ होती हैं, जो पे होती हैं ना, बाकी तो फिर आपको पता प्राइवेट जॉब है, छुट्टी लोगे तो तनख्वाह कटती कटती है, तो बहुत मतलब कि अंदर से डेडिकेशन के साथ जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इनकी इच्छा पूरी हो। इवेंट भी है मेरा, इवेंट भी है तो अभी बाकी कल आपसे बातें करते हैं, जो भी होगा। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को बहुत नींद आ रही है, तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लेटर बाय बाय, जय हिंद।